बिसम रहीम वालेकुम आज मैं आपको हनी जिंजर चिकन बनाना सिखा रही हूँ इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल करे आप निकालें और इसको बेक कर लें या फिर आप इसको ग्रिल कर लें पैन में तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने दो किलो चिकन लिया जिसको मैं मैरिनेट करूँगी छः खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है दो खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ दो खाने के चम्मच इसके अंदर मैं शहद डाल रही हूँ दो चाय के चम्मच हिमालयन नमक चार चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च दो खाने के चम्मच सोया सॉस इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी इस मिक्सचर को इक्वली मैं इन चारों में डिवाइड कर दूँगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और चिकन हमारा मैरिनेट हो जाएगा और इसको पीस कर लेंगे और जब आपका दिल करे आप इसको फ्रीजर से निकालें और या तो इसको बेक कर लें या फिर पैन में ग्रिल कर लें ये देखिए मैंने आ, हनी जिंजर चिकन फ्रीज़र से निकाल लिया है इसको थोड़ा सा डी फस होने रख दूंगी ऐसे ही उसके बाद इसको आ, बेक करेंगे बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है अब इसके अंदर मैंने कुछ देर पहले हनी जिंजर चिकन निकाल के रख दिया था तो ये अब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है तो ये डाल दूँगी मैं इसमें ओवन मैंने प्री हीट कर लिया है दो डिग्री सेल्सियस पर तो इसको मैं तकरीबन तीस मिनट बेक कर लूँगी और बीच में एक दफ़ा साइड चेंज कर लेंगे आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं पैन पर या फिर आप इसको कोल पर बार्डिक्यू कर लें अच्छा चिकन के साथ मैं पोटेटो वेजेस बना रही हूँ तो उसके साथ मैं टैको सीजनिंग यूज़ करूँगी टैको सीजनिंग की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू ले लिए हैं इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया और खुश कर लिया है चूँकि ये पतला आलू है इसलिए मैं इसके चार टुकड़े कर रही हूँ लेकिन अगर मीडियम हो तो आप छः और लार्ज हो तो आठ इसके टुकड़े करें अगर इसमें से भी आपको कोई भरा पीस लगे तो आप इसको और हाफ कर लें मैं इसको बेक करूँगी आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं अब इसमें मैं ये टाको सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया हुआ इसलिए मैं सेपरेट डालूंगी थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल उल डाल रही हूँ हिमालय नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सीजनिंग डाल सकते हैं और इसको मैं बेक कर दूँगी दो डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन तीस मिनट लगेंगे और ये अच्छे तरीके से बेकड हो जाएंगे पोटैटोस लेकिन बीच में आप इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन कर लीजिएगा ये देखिए मैंने पोटैटो वेजेस और चिकन को बेक करने रख दिया है आधे घंटे में रेडी हो जाएगा इन शाला तो मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन तीस से पैंतीस मिनट लगे हैं और ये चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेक हो गया है इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना जाने से पहले हदीसी से पाक आप तक शेयर कर दीजिए हदीस अबू दाऊद से ली गई है सरतर अनु फरमाते हैं कि रसूल सल्ला ने नेशाद फरमाया तुम जब सफ़र करो तो रात को भी जरूर कुछ सफर कर लिया करो क्योंकि रात के वक्त जमीन लपेट दी जाती है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा जजाकल्ला खैर